कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं।